नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुट्टी से धार कैसे बनाएं। तो दोस्तों, घर पर पुट्टी करते वक्त सबसे ज़रूरी बात होती है, जहाँ कोना वगैरह होता है वहाँ धार आनी चाहिए, तभी उसका लुक जो है अच्छा दिखता है, अच्छा काम दिखता है। तो धार बहुत ज़रूरी होती है, तो इस वीडियो से हम वही सीखेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल बटन पर सेट कर दीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो में ये जो पेंटर किस तरह से धार बना रहा है वो ध्यानपूर्वक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि दिखता है उतना आसान नहीं रहता है, उसमें बहुत बारीकियां होती है जो आपको परखनी है, ध्यान से देखना है वो किस तरह से पेंटर जो है वो पुट्टी को अप्लाई कर रहा है और कैसे उससे धार बना रहा है, ये आपको देखना है और सीखना है, ताकि आप भी अपने घर पर अच्छे से ऐसे धार बना सके और पुट्टी का काम सीख सके। देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है इसको, कितनी मस्त धार दिख रही है। और उसके बाद क्या है ना दोस्तों, ये थोड़ा बार रह जाता है ना, थोड़ा बहुत वो पेपर जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था 220 नंबर का पेपर लेने का, और उससे अगर आप उसका वीडियो भी हम बाद में बनाएंगे, और वो पेपर जो है वो पेपर से उसको घिसने के बाद और अच्छी धार आ जाती है। तो वीडियो को स्किप मत करिए, देखिए किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं वो पुट्टी। इस तरह से आपको पुट्टी अप्लाई कर देनी है, और ऐसे ऊपर जो पुट्टी छूटती है कोने पे वो हमें पतरे से निकालनी है, तो अच्छी धार आएगी और अच्छा लुक दिखेगा। ये देखिए कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही पेंटिंग से रिलेटेड जो वीडियोज़ होती है हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, इसलिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना होगा और ऑल पर सेट करना होगा। तो हमारे पेंटिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और हमारी वीडियोज़ आप देख सकेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।